ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और ब्लडलाइन ने अपना टैग टीम टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया आज के स्मैकडाउन को ऊपर। एग्जैक्टली क्या हुआ आज के स्मैकडाउन को ऊपर मैं आपको ए टू जेड में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें एजे स्टाइल के द्वारा देखने को मिलता है। एजे स्टाइल इस बात को बोलते हैं फाइनली अब वो वापस आ चुके हैं और अब जब वो वापस आ चुके हैं तो फिर से वो रेसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं और सब कुछ ऑडियंस को देने वाले हैं। तभी सामने से कार्मेलो हाइस आते हैं। कार्मेलो हाइस बोलते हैं एजे स्टाइल मैं तुमसे ज्यादा ग्रेट हूं, अब ये कंपनी मेरा हो चुका है, मैंने अंद्रादे को 4 बार हराया इसलिए मैं ग्रेट रेसलर बन चुका हूँ। इसके बाद एजे स्टाइल बोलते हैं चलो ठीक हम लोग दोनों मैच रेसल कर लेते हैं, पर उसके ऊपर कार्मेलो हाइस एग्री नहीं करता। एले नाइट सामने से आकर ऑफर देते हैं कार्मेलो हाइस को कि अगर तुम एजे स्टाइल को हरा दोगे मैच के अंदर तो मैं तुम्हें यूएस टाइटल के लिए एक मौका दूंगा। और देन इसके बाद भाई कार्मेलो हाइस मैच रेसल करने के लिए एग्री होता है। उसके बाद एजे स्टाइल वर्सेस कार्मेलो हाइस का मैच देखने को मिलता है। मैच के बीच में होता क्या, एजे स्टाइल रोप के ऊपर से जंप करते हैं तो भाई वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। वहां पर तुरंत डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आकर एजे स्टाइल को चेक करते हैं, इस बात को बताते हैं अभी मैच के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस मैच को भाई एजे स्टाइल को छोड़कर जाना पड़ता है। कार्मेलो हाइस इस मैच का विनर बन जाते हैं, पर विनर बनने के बाद भी एले नाइट पीछे से आते हैं, पीछे से आकर कार्मेलो हाइस को बजाकर चले जाते हैं। कार्मेलो हाइस को एले नाइट के अगेंस्ट मैच के लिए मौका मिलने वाला है फिर नहीं मिलने वाला भाई हमें अगले वीक ही पता चलेगा। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें मिया एम वर्सेस हमें चेल्सी ग्रीन का हमें मैच देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई ये मैच एक गार्बेज मैच था, तो अपने अपोनेंट को गार्बेज के अंदर डालना था इस मैच के एंडिंग में। तो भाई मैच बेसिकली काफी कमाल का था, वेपन का भी यूज इस मैच के अंदर पूरी तरीके से कर सकते थे। तो इस मैच के अंदर हमें ट्रेसकन का यूज देखने को मिलता है, हमें टेबल का भरपूर यूज देखने को मिलता है। एक्चुअली इस मैच के लास्ट में क्या होता है गार्बेज के ऊपर ही भाई मतलब यहाँ पर टेबल को सजा देती है मिया, उसके बाद उसी के ऊपर वो चेल्सी ग्रीन को पटक देती है, दोनों एक साथ चली जाती है गार्बेज के अंदर। भाई यहाँ पर मिया एम भाई गार्बेज से निकल जाती है इस मैच के अंदर, वो विन कर जाती है। इस मैच के लास्ट में हमें पाइपर नेविन भी देखने को मिलती है, पर पाइपर नेविन कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। पाइपर नेविन ड्रेस भी पहन कर आती है, जो गार्बेज उठाने वाली जो लड़की रहती है उसका वाला ड्रेस पहन कर आती है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें बेली देखने को मिलती है, जिनका प्रोमो सेगमेंट बड़ा कमाल का होता है मोटी आंटी के साथ। बेली बोलती है कि देख मोटी आंटी तुम एक बहुत डोमिनेटिंग चैंपियन हो, तुम एक बहुत अच्छी चैंपियन हो पिछले 10-20 साल, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें फाइनली हरा देने वाला बैड ब्लड के अंदर, तुम कभी चैंपियन नहीं रहने वाले बैड ब्लड के बाद। मोटी आंटी के साथ भाई वहां पर रिंग के अंदर टिफनी भी रहती है, टिफनी के बारे में ये बोलती है कि टिफनी तुम्हारे ऊपर मनी द बैंक कैश इन करने वाली है, टिफनी सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट है, टिफनी को अपना मनी द बैंक कैश इन तुम्हारे ऊपर कैश इन करना है। फिर भाई होता क्या, ये सारे लोग के बीच में बहस हो जाता है, सारे लोग दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में भाई यहाँ पर स्टैंड टॉल बेली करते हैं, बेली भाई मोटी आंटी को सुला देते हैं रिंग के बीच। भाई मोटी आंटी यहाँ पर सोई हुई थी, रेफरी भी सामने खड़ा था, यहाँ पर मनी द बैंक कैश इन करने के लिए यहाँ पर सोचते है टिफनी। यहाँ पर मोटी आंटी को भी पता चल चुका था रिंग के अंदर बैठी रहे तो उनके ऊपर मनी द बैंक कैश इन तुरंत हो जाए। मोटी आंटी भाई सिंपल भाई खड़ा होती है, मतलब वहां से सीधे भाग जाते हैं, टिफनी से कोई बातचीत वगैरह कुछ नहीं करती। वैसे बैक स्टेज का सेगमेंट हुआ उसके बाद हमें देखने को मिलता है बियांका बेलोर जेड कार्गिल को भाई डब्ल्यू वाले सिर्फ बैक स्टेज में फीचर कर रही है। वैसे बेली बस वहां पर जाकर नियोमी को इस बात को बोलती है कि अगर मैं अगर चैंपियन कल बन जाती तो मैं तुम्हें सबसे पहले मौका देने वाला हूं। पर हां मेरे ख्याल से भाई ना ही बेली चैंपियन बनने वाले ना ही नियोमी को मतलब मौका मिलने वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में भाई डॉक्टर अभी तक फिलहाल कुछ बोले नहीं है मतलब उन्होंने। तो भाई ये एक्चुअली स्टोरी लाइन चल रहा है फिर सच में इंजरी भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कुछ रिपोर्ट आता मैं आपको बता दूंगा एजे स्टाइल को सच में इंजरी हुआ या फिर स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग इनको इंजरी हुआ। वैसे भाई वो जो गार्बेज रहता है गार्बेज से निकलने के बाद यहाँ पर चेल्सी ग्रीन पूरा गंदी हो चुकी थी, उनके शरीर से बदबू आना शुरू हो चुका था और वो बैक स्टेज जितने ही लोग उसे मिलते हैं सारे लोग उल्टी करना शुरू कर देते हैं, सारे लोग अपना नाक दबाना शुरू कर देते हैं। लास्ट में जाकर चेल्सी ग्रीन एडम पियर से मिलती है, पर एडम पियर भी भाई वहाँ पर नाक दबाना शुरू कर देते हैं। लास्ट में मतलब चेल्सी ग्रीन निक ऑल्डी से भी बात नहीं कर पाती, एडम पियर मैंने गलती से बोल दिया। वैसे बैक स्टेज उसके बाद हमें जेका फाटू का प्रोमो भी देखने को मिलता है, जहाँ सिंपल इस बात को बोलते हैं आई लव यू सोलो एक्नॉलेज मी, मतलब ऐसे ही बस वो बोलते रहते हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें मोटी आंटी देखने को मिलती है, जो कि टिफनी को सलाह देती है मुझे पता तू मेरे ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करने वाली, पर मैं तुम्हें सलाह देने वाला हूँ कि जाकर रिया रिप्ली के मैच के अंदर तुम मनी इन द बैंक कैश इन करो, मेरे ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन मत करो, क्योंकि तुम अगर मेरे ऊपर कैश इन करोगे तो तुम मुझे हरा नहीं सकते किसी भी हाल में। तो यहाँ पर भाई एक तरीके से भाई मोटी आंटी लास्ट वार्निंग यहाँ पर टिफनी को दे दी है कि मेरे ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन तुम्हें कभी भी नहीं करना। वैसे भाई सोलो सिकोवा का हमें थोड़ा सा प्रोमो बैक स्टेज से हमें देखने को मिलता है, जहाँ सोलो सिकोवा रोमर है जो कोडी रोड्स को बोलते हैं मैं तुम्हें हरा देने वाला हूँ बैड ब्लड के अंदर। और ब्लड लाइन का भाई सेवन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब जो भी था इनका प्रोमो ही बस था एक छोटा सा। वैसे फाइनली आता है शो का मेन इवेंट, जहाँ भाई लैडर मैच होने वाला था मतलब यहाँ पर टैग टीम टाइटल के लिए। और भाई ये मैच बड़ा कमाल का था, मैं जितना इस मैच के बारे में तारीफ करूँ भाई उतना मतलब कम है। सबसे मजेदार चीज है कि ब्लड लाइन के एक भी मेंबर हमें पूरे मैच को दौरान यहाँ पर हमें देखने को ही नहीं मिले। ब्लड लाइन का जनरली भाई कोई भी मैच होता तो भाई वहाँ पर ब्लड लाइन के मेंबर भर भर कर आते हैं, पूरा इंटरफेरेंस करते हैं, पूरा टहलका मचाते हैं। भाई बिना ब्लड लाइन के हेल्प से टांगा टोंगा टांगा लो इस मैच के अंदर रेसल किया, भाई वो मतलब टाइटल को रिटेन भी कर लिया। तो यहाँ पर भाई ब्लड लाइन की तरफ से बहुत अच्छा मैसेज गया कि बिना किसी का हेल्प लिए भी मतलब वो चैंपियन बन सकते हैं, वो वर्दी है। ऐसे जैसे वो चैंपियन बनते हैं सबसे पहले एक दूसरे से गला मिलते हैं, उसके बाद अपने मालिक सोलो सिकोवा के पास वो जाते हैं, सोलो सिकोवा के पास जाकर वो गले मिलते हैं, उसके बाद स्मैकडाउन एंड होता है। वैसे मैं आपको बता दूं भाई आज का स्मैकडाउन एक नंबर का टट्टी स्मैकडाउन था, मैं आपको पहले नहीं बताया नहीं तो आप मेरा वीडियो देखते ही नहीं।
चैनल के ऊपर भाई बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।